हेलो दोस्तों, इन्फो वाला में आपका स्वागत है। तो आइए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिना ब्लॉक जाए हुए आप कैसे जाति आवासीय आय बना सकते हैं। तो आइए, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्रोम में आइए, क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद में यहाँ पर लिखिए RTPS, RTPS लिखिए। यहाँ पर RTPS 2 भी खोल सकते हैं, RTPS बिहार, RTPS 2 और RTPS भी खोल सकते हैं। यहाँ पर हम RTPS खोल रहे हैं और देखिए, खोलने के बाद में यहाँ पर आ गया RTPS। यहाँ पर RTPS लिखा हुआ है, इस पर आप दाबिएगा RTPS और देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार का पूरा फोटो लगा हुआ, RTPS खुल गया। तो यहाँ से आप बिना ब्लॉक जाए हुए तो आप यहाँ से मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इस पर टच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब लिखा हुआ आ गया कि आवासीय आय प्रमाण पत्र निगम और जातीय आय प्रमाण पत्र निगम, आय प्रमाण पत्र। यहाँ से आप क्रीमी लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर भी आय प्रमाण पत्र मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमको बनाना है आवासीय, तो यहाँ पर आवासीय पर हम टच करेंगे और इसमें देखिए तीन ऑप्शन दे रहा है, एक अंचल स्तर पर और एक अनुमंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो सबसे पहले ब्लॉक स्तर, ब्लॉक बोला जाता है ब्लॉक और मंडल, ब्लॉक को बोला जाता है अंचल। तो अंचल पर हम दाबते हैं, टच करते हैं, तो देखिए यहाँ पर खुल रहा है। और यहाँ पर खुलने के बाद में हम बताएंगे और आगे आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर सब साइड खुल गया और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राज्य अधिकारी स्तर से। तो देखिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आवेदन का नाम। तो हम आइए, आप वीडियो में बन रही है, हम आपको A to Z कर कर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब चीज़ मतलब आ गया है, देख लीजिए। तो वाइस उसके बाद में देखिए हम सबसे पहले पुरुष को बनाना है, तो हम यहाँ पर पुरुष दबेंगे तो यहाँ पर ये भरा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में आपका इंग्लिश में नेम मांगेगा, नेम ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मेरा नाम है मन्नू कुमार। तो मन्नू कुमार डाल दिए। तो उसके बाद में फिर हिंदी में मांग रहा है, तो इस पर हम इसको टच करेंगे और इसको हिंदी कर लेंगे और इस पर लिखेंगे मन्नू कुमार। देखिए कुमार। उसके बाद में फादर का नाम पूछ रहा है, फादर का नाम पूछ रहा है आपका, जो आपका पिता का नाम होगा वो डालिएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लाल बिहारी गिरी। और उसके बाद में तो आइए, तो फिर हिंदी में मांग रहा है, तो यहाँ पर हम हिंदी में लिख रहे हैं लाल बिहारी। देखिए बिहारी और गिरी लिख दे रहे हैं, तो उसके बाद में मदर नेम मांग रहा है, तो मदर नेम मान लीजिए कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपना माता का जो नाम होगा वो डालिएगा। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं कांति और देवी, नहीं, गलती हो गया, यहाँ पर इंग्लिश में मांग रहा है। देखिए नेम ऑफ द मदर इंग्लिश, तो यहाँ पर लिख दिए हम कांति। उसके बाद में लिख दे रहे हैं देवी, तो उसके बाद में हिंदी में मांग रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे भर रहे हैं, उसी तरह आप भी बना सकते हैं घर बैठे हुए, ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। तो आइए आज हम बताकर, उसके बाद में नेम ऑफ हस्बैंड मतलब लड़की का होगा तो हस्बैंड का नाम लगेगा, नहीं तो लड़का का होगा तो नहीं डलेगा। अब आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो इस पर आपका मोबाइल नंबर, तो फिर हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर मतलब नंबर हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद में ईमेल आईडी मन करे तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए। और उसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा राज्य, तो है बिहार से। और उसके बाद में यहाँ पर जिला आ जाएगा, तो जिला आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक डाल दीजिए, यहाँ पर फिर ब्लॉक, वहाँ पर अनुमंडल, यहाँ पर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत और इस पर वार्ड मांग रहा है, तो वार्ड इसमें डाल दीजिए, वार्ड, ठीक है। और देखिए फिर इसके बाद में यहाँ पर गांव मांग रहा है, तो गांव डाल दीजिए। फिर यहाँ पर गांव मांग रहा है, तो यहाँ पर हम गांव डाल दे रहे हैं। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस मांग रहा है तो पोस्ट ऑफिस डाल दिए। उसके बाद में थाना मांग रहा है, देखिए थाना, तो हम थाना डाल दिए। उसके बाद में मांग रहा है पिन कोड, तो 55 66 77। और उसके बाद में यहाँ पर फोटो मांग रहा है, फोटो मतलब कोई सा फ़ोटो एडिट कर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक फ़ोटो लेते हैं, और फोटो लेने के बाद में हम फोटो को डालेंगे। और देखिए इसमें ई वाला फाइल में नहीं है, तो फिर इसको हम इमेज में आते हैं, और इमेज में आने के बाद में नीचे आके तरफ आते हैं, तो नीचे देखिए क्या लिख आया। उसके बाद में इसमें इसमें नहीं है, तो हम फिर आपसे इसको हम थोड़ा इस तरह घुमा लेते हैं क्योंकि उस तरह फ़ोटो नहीं मिल रहा है। तो फोटो कैमरा, देखिए कैमरा में हम इसको डाल देते हैं फोटो, ना ये वाला फ़ोटो नहीं डला रहा है क्योंकि ये ज़्यादा हाई क्वालिटी का है। तो हम इधर से एक फ़ोटो उठाएंगे और उसके बाद में हम फोटो को डालेंगे। देखिए फ़ोटो डाल दिए, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, नहीं फ़ोटो को पहले सिग्नेचर चाहिए। अब मतलब पहले बनता था कि सिग्नेचर नहीं चाहिए, मगर अब सिग्नेचर चाहिए तभी तो आपका जाति आवासीय बन सकता है। तो फ़ोटो को सिग्नेचर होना ज़रूरी है, और यहाँ पर आधार नंबर मत डालिएगा। और उसके बाद में अस्थाई तो नहीं है, अस्थाई है तो अस्थाई पर डालिएगा। और उसके बाद में फॉर्म किस लिए बनवाना चाहते हैं, तो फॉर्म का लिख दीजिए, आधार कार्ड चाहिए कुछ भी, मतलब जो चीज़ के लिए बनवा रहे हैं वो चीज़ लिख दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, यहाँ पर क्या क्या लिख रहा है, मैं मनु कुमार, ये सब आपका सत्यापन है, मतलब आवेदन, मतलब जैसे भरे हैं वैसे बता रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चर कोड डालिएगा, देखिए कैप्चर कोड, तो यहाँ पर 25 52 74 यहाँ से डालिएगा। तब उसके बाद में नीचे देखिए, नीचे प्रोग्रेस लिखा हुआ है, क्लोज और रजिस्टर, मतलब आपका सही है फॉर्म तो आप इसको इथी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम दाब दे रहे हैं, देखिए आपका सब चीज़ हो गया ओके, और यहाँ से हम इसको दाब दे रहे हैं। देखिए अब यह वाला फॉर्म चला जाएगा सीधा ऑनलाइन ब्लॉक में चला जाएगा। उसके बाद में वहाँ से आपको सात दिन का रिसीविंग मिला, देखिए बन गया। यहाँ पर हम डाल दिए हैं देखिए सब चीज़, और उसके बाद में यहाँ पर लिख रहा है अटैच एनुकुलम, मतलब यहाँ से हम इसको फिर मतलब इथी कर देंगे। तो उसके बाद में अपना दस्तावेज डालेंगे, यहाँ पर दस्तावेज आ देखिए, यहाँ पर लिख रहा है निर्वाचन पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पिन कार्ड इस पासपोर्ट, और देखिए मतलब पासबुक बहुत चीज़ मांग रहा है, आपके पास जो है वो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं अपना आधार कार्ड का इस पर हम ये करेंगे, और यहाँ से हम उसको चूज करेंगे और देखेंगे किधर है। और तब उसके बाद में आधार कार्ड को हम फिलअप करेंगे, और उसके बाद में तब सीधा चला जाएगा हमारा फॉर्म ब्लॉक स्तर पर। तब उसके बाद में रिसीविंग तैयार हो जाएगा यहाँ से, देखिए हम सबसे पहले तो हम आधार कार्ड खोज रहे हैं, आधार कार्ड अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि अब फोटो तो बहुत सारा है, तो खोज थोड़ा टाइम लगेगा। और खोज के तब उसके बाद में हम डालेंगे, और तब उसके बाद में देखिए यहाँ पर मिल गया। अब उसके बाद में यहाँ से हम डाल दिया आधार कार्ड का फ़ोटो, और यहाँ से हम इसको सेव करेंगे, तो उसके बाद में हमारी रिसीविंग ऑटोमेटिक बनकर रेडी हो जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ से लिख रहा है सबमिट, ड्रॉप सब चीज़ लिख दिया, और यहाँ से लिख रही हम सबमिट, देख लीजिए सबमिट लिख दिया। तो देखिए यह हमारा फ़ोटो है, और फोटो पे बिना सिग्नेचर का इथी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से लिखा है 16/7/2024 को आवेदन हुआ है, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ सब चीज़ हमारा सही है। तो और यहाँ से देख लीजिए फॉर्म मिल गया, सब चीज़ ओके है। और देखिए मतलब जो चीज़ हम डालें यहाँ से आप पीडीएफ मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, और 10 दिन के बाद में आपका मिलने का डेट होगा इसको। तो डेट आइए किधर डेट लिखा हुआ है, हम बता दे रहे हैं किधर, मतलब डेट लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 29/7/2024 को मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह आप अपना बना सकते हैं। तो आइए, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।